बस अभी होटल रूम में ही बैठा हूँ। मैंने सोचा ही था जैसे ही हांगकांग लैंड किया ना, कि जैसे ही मैं हांगकांग पहुँचूंगा पहले मैं होटल में जाके भाई थोड़ा रेस्ट करके प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का है वो सब सीन बताऊंगा, बिकॉज उसके बिना हांगकांग पॉसिबल ही नहीं आना। अगर आप प्लान भी कर रहे हो हांगकांग का तो इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये है क्या एक्चुअली? प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन वीज़ा नहीं है हांगकांग का, ये एक लेटर है जो कॉन्फर्मेशन देता है कि आप हांगकांग में एंटर कर सकते हो या नहीं। ठीक है, हांगकांग की तरफ से ही वो लेटर रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो हांगकांग गवर्नमेंट की लिंक है, वो क्लिक करोगे स्टेप बाय स्टेप सब वो फॉर्म में आगे बताते जाऊँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है फॉर्म वगैरह। तो आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे, उसके बाद वो ऑन द स्पॉट बता देगा आपको, फ़ोन से, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन से ही बता देगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं, मतलब हांगकांग एंटर कर सकते हो या नहीं। सक्सेसफुल रहता है तो आप कभी भी 6 मंथ्स का वो वैलिडिटी रहता है, जैसे ही वो सक्सेसफुल मतलब आज आप करते हो सक्सेसफुल है तो 6 महीने तक आप हांगकांग जा सकते हो 14 दिनों के लिए। ठीक है, फ्री ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा आपको। तो अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई आपको हांगकांग की एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा। ठीक है, और अनसक्सेसफुल की तो नेगेटिव की वाली बातें तो साइड में रखते, पॉजिटिव बातें करते, सक्सेसफुल ही होना है क्यों नहीं होना है। मैंने खुद ने फ़ोन से ही किया है क्योंकि टाइम पास मैं कर रहा था, देखता हूँ आता है कि नहीं आता है तो फ्लाइट की बुकिंग करता। और इसमें क्या बेनिफिट है? कुछ आपका 1 रुपया नहीं जाएगा ना, आपको फ़्लाइट पहले बुक करनी है, सिर्फ एक चीज़ करनी है होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग आपको booking.com से, इतना तो अभी समझदार हो ही गए रहेगा कि आप बिना पेमेंट कैसे आप होटल बुकिंग कर सकते हो, है ना? booking.com से आप कर सकते हो। तो वो ईमेल जो आता है booking.com से कि होटल कॉन्फर्मेशन नंबर एंड होटल का एड्रेस, बस यही दो लगता है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, होटल की बात करूँ तो ये हो गया। बस आप फिर अभी मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन का आप लिंक है वो देखो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे या फिर आप गूगल में जाके हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियंस भी लिखोगे तो ये वेबसाइट खुलती है। ये जो वेबसाइट है वो हांगकांग गवर्नमेंट की तरफ से ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है PAR। तो ये देखो जो फर्स्ट था प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया, उसको क्लिक करना है हमें तो ये नेक्स्ट पेज खुलता है। अभी इसमें लिखा है कि अटेंशन, आपके पास ये क्रोम ब्राउजर ये सब होना चाहिए वगैरह, कंटिन्यू कर देने का, बिकॉज अपने को प्रिंट आउट तो कंप्यूटर से निकालना है बट अपन ऐसे ही चेक कर रहे हैं फ़ोन से ना, तो फ़ोन से आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है कि नहीं है वो आप इजीली जान सकते हो। तो ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलता है, उसमें सबसे लास्ट में जाने का, ये सब टिक करने का, ऐसे 3-4 पेजेस और आएंगे, वापस एक पेज आया। इसमें भी ये पूछ रहा है आपके पास एडोब रीडर 7 होना चाहिए या फिर और प्रिंटर भी होना चाहिए, कंटिन्यू कर देने का, अभी फ़ोन में कौन सा प्रिंटर है। फिर उसके बाद वापस टिक करने का कंटिन्यू, उसके बाद वापस यहाँ पे देखो बीच में एक टिक करना है, कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू करना है। अब आ गया पेज, इसमें हमें फिलअप करना है सब। ध्यान रहिएगा ये जब भी फिलअप करो पासपोर्ट लेकर ही बैठना, बिकॉज पासपोर्ट और ये डॉक्यूमेंट में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक, एक भी कुछ मिस्टेक हुआ ना, आपको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर इंडिया से ही आपको ये इमिग्रेशन वाले बोर्डिंग पास नहीं देंगे, बोर्डिंग पास वाले नहीं आपको इश्यू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना सरनेम जो आपका गिवन नेम, गिवन नेम मतलब अभी ये देखो सब नीचे फोटो में दिया है कैसा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके पासपोर्ट में एलियास है मतलब मिस्टर मिस ऐसा कुछ है तो वो लिखना है येस या नो। उसके बाद है कि आपके सरनेम के पास एलियास है तो नहीं है मतलब मिस्टर, अभी सरनेम में मिस्टर कौन लगाता है पासपोर्ट में, मिस्टर या मिसिस। फिर इसमें है कि आप कोई दूसरे नाम से जाने जाते हो, अगर जाते हो तो यस करके पूरा नाम फिलअप करना है या फिर सीधा नो करना है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाना है। नेशनैलिटी में इंडियन, सेक्स में आपको जो भी है मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड जो भी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, प्लेस ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, पासपोर्ट पे जो लिखा है अगर महाराष्ट्र बॉर्न हो या कहीं कहीं भी बॉर्न हो तो वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, इज योर रेसिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, यस, फिर वो एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर में कंट्री कोड, कंट्री कोड मतलब 91 हुआ, प्लस मत डालना वरना वो वापस पेज वो वापस होएगा। उसके बाद है पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन में पासपोर्ट नंबर डालना है, री इनपुट पासपोर्ट नंबर है, प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट लेकर ही बैठना, मैंने कहा ना कंप्लीट डिटेल्स परफेक्ट एक टू, और चेक ज़रूर करना जब जैसे जैसे आप भरते हो, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह हो गया। अच्छा, प्रीवियस ट्रैवल टू हांगकॉन्ग अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो नो। ठीक है, फिर प्लीज़ सिलेक्ट द पासपोर्ट नंबर,
ऑफ इंडियन, वो तो वही, अगर नो कर दिया तो कुछ फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रीवियस विजिट टू फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि मैंने की थी, तो मैंने येस करके डालना चालू किया कंट्री का नाम और कब मैंने मंथ ऑफ ट्रैवल और ईयर ऑफ ट्रैवल, फिर ऐसे 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 भरते गया, जैसे जैसे मलेशिया, दुबई, थाईलैंड वगैरह जो भी थे मैंने भरे। अगर आपने नहीं किया है कभी किधर भी ट्रैवल तो आप नो कर सकते हो, दैट्स ऑल। ऑक्यूपेशन जो भी आप, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो या मार्केटिंग करते हो, अनएम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, जो भी है। फिर नेम, अगर स्टूडेंट हो तो वो स्कूल का नाम आएगा, अगर जॉब करते हो तो वो एम्प्लॉयर का नाम, ये कंपनी का नाम आएगा, नीचे एड्रेस में वो कंपनी का एड्रेस आएगा, कंपनी का फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट, मतलब आप क्यों जा रहे हो, तो ये है टूरिस्ट पर्पस के लिए। लेजर विजिट, लेजर विजिट मतलब टूरिस्ट पर्पस ही हुआ। प्रपोज ड्यूरेशन ऑफ स्टे, स्टे 14 दिन का ही आपको मिलेगा वीज़ा, तो भाई 5-6 दिन का ही बताना। इसके लिए एक चीज़ अच्छा है कि भाई फ्लाइट बुकिंग करनी ज़रूरी नहीं है, अगर अनसक्सेसफुल आया तो फ्लाइट के पैसे वेस्ट जाएंगे, इसलिए पहले फ़ोन से ही चेक कर लो, क्योंकि 6 महीना वैलिड होता है ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप कभी भी फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, समझे। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है पहले, वो है होटल बुकिंग, वो भी booking.com से कर लेना विदाउट पेमेंट, ठीक है। सिर्फ booking.com से आप बुक कर देना, विदाउट पेमेंट के ऑप्शंस रहते ही है, कुछ भी बुक कर देना, और प्रिंट आउट आएगा तो उसमें आपको ये ईमेल आएगा तो उसमें बुकिंग आईडी रहती है ना, वो बस वो एक रख देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे है पर्पस ड्यूरेशन ऑफ स्टे, एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, ये जो लिखा है ना एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, मतलब आप कहाँ रुकोगे, तो इसी में सब वो डाल देना, फ्लैट नंबर जो भी आपने booking.com से बुक किया ना वो सब डाल देना, और ये डिटेल हो गया। फिर होटल रिजर्वेशन नंबर, यहाँ ये सबसे मेन है, ये लोग चेक करते ही ये चीज़, तो वो जो आपको आएगा ना ईमेल में booking.com से वो आप डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकिंग आईडी बोलते हैं उसको, बुकिंग कॉन्फर्मेशन नंबर, ठीक है। फिर फंड अवेलेबल में हमेशा ये वाला रखना, सेकंड वाला, ठीक है। लोकल कनेक्शन, भले इतना लेके मत जाना, इतना पूछेंगे भी नहीं करेंसी का, तो ना हांगकॉन्ग में पूछेंगे ना इंडिया में पूछेंगे, लेकिन ये इतना डाल देना ताकि एक बार सक्सेसफुल आ जाए प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद लोकल कनेक्शन ही नेट क्या, नो, कोई जानते हो नहीं, नहीं जानते भाई, जानते हैं फिर भी नहीं करने का है, वरना 10 सवाल पूछते वापस वहाँ जाके। फिर ये सब तो नो कर दिया। फिर है विल यू, ये सब में नो करना है आपको, मतलब पूछते हैं कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी वहाँ जाके, और वहाँ गए तो आप वापस इंडिया नहीं आओगे, ऐसा तो नहीं ना, तो वो सब नो 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 करना है। आप कोई क्राइम से जुड़े तो नहीं होना, तो सब में नो 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 करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, अब ये पूरे पार का सबसे इंपॉर्टेंट मैं सोचता हूँ ये है। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में आप कुछ भी अपने पसंद का क्वेश्चन डाल देना और आंसर भी डाल देना, और आंसर जो है वो हमेशा याद रखना, हमेशा, मतलब जब तक आपका वो प्रिंट आउट ना है, बिकॉज हम कर रहे हैं फ़ोन से, बरोबर। और फ़ोन से सिर्फ आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन भर सकते हो, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो। जब प्रिंट आउट निकालो, निकालने के लिए कंप्यूटर यूज़ करोगे ना, चाहे 5 दिन बाद करो कि 10 दिन बाद करो, नो प्रॉब्लम, ये आपका सेव ही रहेगा पार। तो जब भी आप करोगे तो वो आपको ये पासपोर्ट नंबर पूछेगा एंड ये क्वेश्चन और ये आंसर, बस इससे आपका वो प्रिंट आउट आ जाएगा और आप वो प्रिंट आउट निकाल सकते हो कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये याद रखना, और उसके बाद यही है वैलिडेशन करके कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू, बस कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू को जैसे ही आप क्लिक करते हो एक बार, वो पूरा पन्ना जो आपने फिल किया है वो खुल जाएगा वापस, और वो आप देख सकते हो कि भाई कहाँ मैंने गलती तो नहीं की, अगर गलती की है तो आप वापस सुधार सकते हो, और फिर ओके कर सकते हो प्रिंट, वो ओके कर सकते हो, तो डायरेक्ट विद इन 5 सेकेंड्स आपको वो आ जाएगा ऊपर कि दैट योर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर हांगकॉन्ग इज सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड सिचुएशन एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी। अगर आप मुंबई वगैरह से इश्यू है आपका पासपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो हैदराबाद से है और जो पंजाब से रिलेटेड प्रोविंस में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या एक्चुअली जो रेट है डिक्लाइन का, अनसक्सेसफुल का, वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमको क्या डरना थोड़ी है, हमको तो भाई ये फ़ोन में ही तो ट्राई करना है, क्या दिक्कत है, ना किधर जाना है, ना कुछ, एक रुपया भी किसी को पेमेंट करना है, कुछ नहीं करना है हमको, तो ये वेबसाइट खोलनी है और सिर्फ ट्राई करना है अपने पासपोर्ट के साथ बैठ कर कि होता है कि नहीं। अनसक्सेसफुल होता है तो हमें हांगकॉन्ग की एम्बेसी में जाके वीज़ा लेना है, अगर आपको जाना ही है हांगकॉन्ग तो, या फिर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बस भले कितने भी दिन बाद आप प्रिंट आउट निकाल दो, बस प्रिंट आउट आपके पास सेव वो रख देना, दैट्स ऑल, प्रिंट आउट रहेगा तो बस, उसके बाद तो हांगकॉन्ग में इमिग्रेशन में भी तकलीफ नहीं आएगी, बस यही तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद 6 महीने का वैलिडेशन रहता है ये पूरे इसका, तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, आप कभी भी बुक कर सकते हो फ्लाइट। फिर इन शॉर्ट मतलब आप फोन से ही पता लगा सकते हो कि आप
को एंट्री हांगकांग में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है. सक्सेसफुल है तो वो प्रिंट आउट निकालना है, क्वेश्चन आंसर ये याद रखिएगा. अगर हाँ अभी आपने फ़ोन से कर दिया, सक्सेसफुल आया, फिर आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या फिर समझो कभी भी टाइम मिले आपको प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आप कंप्यूटर पे बैठना, गूगल क्रोम में लिखना के प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ऑफ हांगकॉन्ग प्रिंट आउट, ठीक है, वो लिखोगे तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की, वो जो हांगकॉन्ग गवर्नमेंट की वो वेबसाइट में वही पेज खुलेगा जहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है. तो उसमें लेकिन प्रिंट आउट निकालने के लिए 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको फिल करने हैं. पहले तो ये रहता है कि आपका पासपोर्ट नंबर, सेकेंड जो आपने क्वेश्चन डाला ना वो, और जो आंसर, बस दैट्स ऑल. उसके बाद सीधा आपका प्रिंट आउट पेज खुल जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल देना प्रिंट आउट, ठीक है. वो प्रिंट आउट लगेगा, उसकी 2-3 जेरोक्स कर लेना भाई, हर बैग में डाल देना, ठीक है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अगर प्रिंट आउट नहीं रहेगा ना हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पे, तो ये लोग $300 चार्ज मारेंगे, 3,000 रुपये के आसपास आपको चार्ज लगेगा फोकट में. इससे अच्छा 1 रुपये का 5 रुपये का प्रिंट आउट ले लेना इंडिया से, ठीक है. तो और अभी एक मैं बात करूँ कि भाई पंजाब वाले भाई हो या हैदराबाद वाले भाई हो, टेंशन नहीं लेने का, फ़ोन से कर देने का. कौन सा पैसा जा रहा है ना, आपको फ़्लाइट बुक करनी है पहले ना कुछ करना है, होटल बुकिंग तो फ्री में मुफ्त में हो जाती है ना. तो एक बार ट्राई कर दो ना फ़ोन में बैठे बैठे ही, कि होता है कि नहीं सक्सेसफुल. भले ही नहीं जाना है, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर नहीं जाना है और ट्राई किया और सक्सेसफुल आए तो भी ऐसा थोड़ी कि जाना ही पड़ेगा. 6 महीने बाद वापस वो हो जाएगा, 6 महीने तक वो वैलिड रहता है ना, उसके बाद वो अनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद कभी भी जाना रहेगा तो वापस आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है. ट्राई करने का, डरने का नहीं, पहले ट्राई करो फ़ोन से ही, सक्सेसफुल आना ही आना है. मैंने इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स बताए सब, इसलिए लंबा वीडियो भी बनाया मेरे को पता है, लेकिन मेरी आदत ही है, मैं क्या करूँ भाई, स्टेप टू स्टेप बताने की आदत है, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की आदत है, क्या कर सकता है भाई. तो बोर मारा तो सॉरी. और भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को, ज़्यादा सब्सक्राइबर होते तो पता है मोटिवेशन मिलता, मोटिवेशन से 2 गुना ट्रैवल करूँगा, फिर 4 गुना ट्रैवल करूँगा, फिर 60 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना. तो भैया सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करना. मेरा डिस्क्रिप्शन में आईडी लिख दिया हूँ, आई एम प्रतीक जैन इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, लेटेस्ट स्टोरीज वगैरह मिलती रहेगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.